दोस्तों, सिंचाई की आवश्यकता कब है ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे खेत में नमी खत्म हो गई है या बरकरार है। और यदि नमी है या खत्म हो गई है, इस बात का पता हम लगाते हैं हमारी इसी ज़मीन को थोड़ा सा खोद करके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं, इसको थोड़ा खोद कर आप कुदाली वगैरह की मदद से इसको खोद सकते हैं। थोड़े अंदर की ओर हम देख रहे हैं नमी किस प्रकार से देखी जाती है। थोड़ा सा हमने यहाँ पर गड्ढा करने का प्रयास किया है और अब हम इस मिट्टी को अगर देखते हैं तो इसमें ये लड्डू नहीं बन पा रहा है दोस्तों। ये देखिए आप, यदि इसमें नमी बरकरार होती तो ये लड्डू आसानी से बन सकता था। हमारे इतने प्रयास से ही आराम से ये लड्डू बन जाता। इसका मतलब है कि यहाँ नमी लगभग ख़त्म हो गई है या बहुत कम हो गई है, तो इस वजह से हमको अब यहाँ पर पानी लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये एक सबसे आसान तरीका है कि हम सिंचाई कब शुरू करें और इसमें हम नमी कैसे देखें। तो नमी देखने का ये बहुत आसान तरीका है, आप इसको ज़रूर अपनाएं। दूसरा ये है कि जब भी ये नमी ख़त्म हो जाए तभी आप पानी शुरू करें। इसके पूर्व में करने से भी कोई ज़्यादा विशेष लाभ नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारी जो नमी नहीं थी या ख़त्म हो गई थी, तो हमने यहाँ पर सिंचाई का काम शुरू कर दिया है दोस्तों। और ये आप नमी के बारे में देख लें और जब भी नमी कम हो जाए तभी हमारे खेत में पानी शुरू करें, जिससे हमारे पौधों को, हमारी फसल को पर्याप्त नमी मिल सके और फसल का उत्पादन अच्छा हो। देख रहे हैं कि पहले हमने देखा कि जहाँ नमी नहीं है वहाँ हमें सिंचाई लगाना है, पर कहीं कहीं जहाँ हमारा पानी पहले हो चुका है और यहाँ बाद में हुआ है, तो जो बाद का जो पानी रहता है उसकी नमी काफ़ी दिनों तक बरकरार रहती है। तो दोस्तों, यहाँ हमारा पानी बाद में हुआ था तो हम देखेंगे कि यहाँ मिट्टी को निकाल करके और यदि इसमें लड्डू बन रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये इसमें आराम से लड्डू बन रहे हैं ये। तो यहाँ नमी की आवश्यकता बहुत अच्छी है, नमी की मात्रा, तो यहाँ अभी हमको सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए दोस्तों, कितना आराम से लड्डू बन रहा है। तो बहुत आराम से यहाँ पर लड्डू बनना है, बन चुका है, तो इसका मतलब यहाँ पर नमी पर्याप्त है और अभी हमें यहाँ पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, जब भी आप सिंचाई लगाएं तो इससे पूर्व आप इस तरीके से ये जांच लें कि ज़मीन में नमी की आवश्यकता नमी की मात्रा कितनी है और उस नमी की मात्रा के अनुसार ही आप खेत में सिंचाई का काम शुरू करें। यदि ये लड्डू बन रहा है तो आप बिल्कुल अभी सिंचाई ना करें, और यदि ये लड्डू नहीं बन रहा है तो ज़रूर आप अपनी सिंचाई प्रारंभ कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।